साल 2010 में सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के एक मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी अवैध जगह से लोगों को खाली कराने से पहले सरकार को उस जगह का एक सर्वे कराना होगा। उस सर्वे में उसको लोगों के साथ बैठना होगा और बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि सरकार उस जगह का इस्तेमाल किस काम के लिए करेगी। सरकार उसके साथ ही यह भी इंश्योर करेगी कि लोगों का एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो। हाल ही में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके तहत जगह जगह अवैध बस्तियों को तोड़ा जा रहा है और लोग अपने सामने अपने घरों को बुलडोजर से गिरते हुए देख रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? यहाँ पर सरकार अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, इन दोनों सरकारों की क्या भूमिका है इस मामले में, और पॉलिसी वाइज अगर हम देखें तो ये पूरा मामला कहाँ पर बैठता है, इन सब मामलों पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं निर्मल गोराना जी। निर्मल जी मजदूर आवाज़ संगठन समिति के नेशनल कन्वेनर हैं। निर्मल, अगर हम बात करें शहरों के बसने की, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक शहर जब बसता है, एक लंबी जर्नी होती है, तो एक शहर के बसने में इसके हिस्सेदार और भागीदार कौन होते हैं? इसमें सरकार कैसे डिसाइड करेगी कि शहर का एक हिस्सा अवैध है और एक वैध है, या फिर एक ही हिस्से में एक घर अवैध है और एक घर वैध है? मसला शुरू होता है कि जब व्यक्ति गांव में रह रहा होता है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें 70% से ज्यादा आबादी जो है गांव में निवास करती है, परंतु धीरे धीरे आजादी के बाद होने लगा कि लोग जो है अपने गांव में काम करते थे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी और जब लोगों को गांव में काम नहीं मिला, जब लोग गांव में वो सामाजिक रूढ़ियों और उन परंपराओं से परेशान थे, उन सामाजिक बुराइयों से परेशान होने लगे, तब उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि क्यों ना हम हटके कहीं रहें जहाँ सुकून से जिंदगी बिताई जा सके। तो उन तमाम सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए और बेहतर जिंदगी बनाने के लिए, अपना जीविकोपार्जन को और बेहतर तरीके से करने के लिए, और एक जो समाज में होड़ भी मची है कि हमको जो है आगे बढ़ना है, हमारे पास में सारी साधन सुविधाएं होनी चाहिए, उनसे कुछ बेहतर साधन सुविधाओं की आस में, रोजगार की आस में लोग जो है शहरों की तरफ कुछ करने लगे। आजादी के बाद अलग अलग प्रकार की योजनाएं, पंचवर्षीय बनी सरकार अपना और आगे फिर पंचवर्षीय योजना बनी, जब लगातार लगातार सरकार प्रयास करने लगी, कुछ लोगों को रोजगार मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा, कुछ मजदूरों की शहर को बसाने में और शहर का विकास करने में जरूरत पड़ी, कहीं गांवों से मजदूरों को शहर लाया गया तो कहीं गांवों से ही मजदूरों ने खुद पलायन किया अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जब ये मजदूर शहर में आते हैं तो शहर में सरकार शहर का ही विकास करना चाहती है, शहर में कौन लोग हैं और गांव में कौन लोग, दोनों ही इंसान हैं पर दोनों में अंतर है कि शहर में जो लोग हैं वो पढ़ा लिखा एक तबका है, शहर में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तकनीकी से जुड़े हुए लोग हैं, शहर में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी प्रक्रमों से जुड़े हुए लोग हैं। कहने का मतलब है कि जो पूरी आबादी है इसमें मुट्ठी भर लोग शहर में है और उन मुट्ठी भर लोगों को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि देश के अंदर जो 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, टोटल वर्कफोर्स का 94%, हम कहें कि श्रम शक्ति का 94% जो भाग है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो इस पूरी देश की विकास की रीढ़ हैं, जो कि इस देश की जो कहें जीडीपी को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। अब वो जो 94% हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि गांव में रहती है और उनमें एक आबादी भी है, एक हिस्सा है जो शहर की तरफ मजबूरी से पलायन करता है या प्राथमिक नियोक्ता कारखानों द्वारा, कंपनियों द्वारा या सरकार द्वारा लाया जाता है श्रम के लिए, उत्पादन के लिए, और वो जब शहर के अंदर काम करता है, अगर कोई मजदूर कोई कर्मचारी काम करेगा तो वापस उसको सांझ पड़े घर जाना है, तो वो अपना आशियाना कहाँ बनाएगा, रात कहाँ काटेगा, तो उसके लिए उसको आवास की जरूरत पड़ती है। तो जो सरकारी मकने में काम करते हैं, मोटी तनख्वाहों पर काम करते हैं,
उनके लिए तो सरकारों ने व्यवस्थाएं बना के रखी है, उनके लिए मजदूरी, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा फिक्स होती है। टोटली सोशल प्रोटेक्शन का जो मोटा मोटा अम्ब्रेला है वो उनके लिए फिक्स होता है, निश्चित होता है। परंतु जो 94% जिसकी आबादी 50 करोड़ देश में है, उनके लिए कहीं पर भी देश में सरकार ने, और विशेष रूप से कहें तो श्रम मंत्रालय ने, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है कि वो इन तमाम लोगों को न्याय दे सके। कहने में 44 लेबर लॉज हमारे देश में, श्रम कानून बने हुए, पर आज हम बात कर रहे हैं शहर और आवास के बारे में। तो कोई भी ऐसा कानून निकाल के अगर हम देखते हैं तो पहले तो वो एम्प्लॉय की लिस्ट में नहीं है जिसकी वजह से वो आवास का अधिकार पाए, और उनके आवास तो शहर में सरकार ने बनाए ही नहीं है, लोगों ने अपने खुद के आवास खुद ही बनाए, जहां उनको जगह मिली रात काटने के लिए। उन्हें कुछ लोग किराए पर गए, पर सब लोगों के पास इतनी पूंजी और इतना उनका वेतन ही नहीं होता है कि वो प्रॉपर एक सम्मानजनक घर वो बना सके। इसलिए वो लोग फिर तो जहां पर जंगल पड़े हैं, जहाँ खाली जमीन पड़ी है, चाहे वो सरकार की है या किसी प्राइवेट एजेंसी की है, वो उस जमीन पर धीरे धीरे देखते कि खाली पड़ी, कोई नहीं है, तो रात यहाँ काटेंगे और दिन में हम लोग काम करेंगे। इससे वो वहां चले जाते हैं, और सरकार को जब वो बसते हैं तब उनको नहीं लगता है कि ये अवैध है। जब वो शहर के विकास को इतना ऊंचाई पर लेके चले जाते हैं कि जो वो झुग्गियां वो बनाते हैं, जहां वो स्लम में रहना शुरू करते हैं और थोड़ी चकाचौंध बढ़ा देते हैं और कहें कि तरक्की करने लगता है, तब उस खाली जमीन की कीमत सरकार की आंखों में छलकती है और सरकार को लगता है कि इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाए, तभी उनको वो गैर कानूनी लगती है, जबकि वो गैर कानूनी नहीं है। तो जैसे हम ये डिमोलिशन ड्राइव देखते हैं, ये अपने आप में नेचुरल जस्टिस के बहुत अगेंस्ट लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने इस शहर को बसाया है, इस शहर के आगे बढ़ने में एक योगदान दिया है, वो इस शहर से खदेड़े जा रहे हैं और एक सरकारी मशीनरी के द्वारा इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो सरकार किस लॉ के अंडर ऐसा करती है? क्या सरकार के ऐसे क्या प्रावधान है जिसके अंडर वो किसी भी जगह पे जाके, जैसे हमने देखा कि ग्यासपुर बस्ती में जाके आपने 2 दिन पहले उन्हें जाके नोटिस दिया है और उसके बाद आप 2 दिन के अंदर उनकी जो सामान है, उनका जो पूरा जिंदगी है, आप सड़कों पे फेंक देते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि आप रैन बसेरे में जाइए, पर आपने ना तो उनके पुनर्वास की कोई योजना उनसे साझा की है, ना ही आपने इसको पब्लिक डोमेन में रखा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार क्या ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत सरकार ये सब कर पाती है? जिस जमीन पर ये लोग रह रहे हैं उनमें से कुछ जमीन है जो फॉरेस्ट लैंड के अंदर आती है, कुछ जमीन है जो डीडीए की जमीन कहला रही है कि डीडीए कहता है कि ये मेरी जमीन है, कुछ एमसीडी क्लेम करती है ये मेरी जमीन है। तो अलग-अलग एजेंसीज आती है और क्लेम करती है कि ये जमीन हमारी है और आप इस जमीन को खाली करो, जबकि लोग वहां से 40 साल और 50 साल, 30 साल, 10 साल से रह रहे हैं। अब आप कह केस कानून के तहत, उदाहरण के तौर पे अगर हम जंगल की बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, इस ऑर्डर में कहा गया है कि जहां जहां पर इस प्रकार की फॉरेस्ट लैंड है या नदियां हैं वहां पर आप इस प्रकार का किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उधर फिर वापस बात करें तो डीडी आती है, डीडी के साहब ये जमीन तो मेरी है, तो बोले अब क्या करना होगा। वो कभी पीपी एक्ट के तहत आ जाती है कि पीपी एक्ट के तहत आप इसको तुरंत खाली करो क्योंकि सरकारी जमीन है, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। फिर और बात करें कि कैसे आई है तो कहेंगे नहीं, अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 16 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें जस्टिस खानविलकर साहब ने कह दिया कि जितना रेलवे की लैंड पर इंक्रोचमेंट है उसको खाली करो। अभी इंक्रोचमेंट जिसको कह रहे हैं वो इंक्रोचमेंट कैसे है? चमेली सिंह का फैसला था, चमेली सिंह का फैसला है, सुदामा सिंह का फैसला है, अजय माकन का फैसला है, ओल्गा टेलिस का फैसला है, इन तमाम फैसलों को रोंदते हुए 16 दिसंबर जस्टिस खानविलकर का ऑर्डर इतना इफेक्टिव हो जाता है कि आज दिन तक जितने ऑर्डर आए, लगता है इतने सालों से इतने न्यायालय काम कर रहे थे, जितने न्यायाधीशों ने जो ऑर्डर दिया तो उन्होंने किसी का आधार पर दिया, उनको सबको खत्म करके आप एक सेकंड में आ जाते हैं कि ये तो रेलवे की लैंड है, आप इसको 10 दिन या 5 दिन में खाली करो।
गियासपुर वाले मामले में लोग आ जाते हैं, डीडीए वाले कि हमारा खाली करो। अब खाली करने के पीछे बेस सबसे पहला तो ये है कि आप खाली करने की बात करते हैं, एक कर्मचारी अगर किसी दफ्तर में काम करता है, कानूनी रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसका श्रमिक का अधिकार है, से वो कहीं किसी दफ्तर में काम कर रहा है, रोजगार मिला है, तो अगर उसको मालिक निकालना चाहता है तो वो 1 महीने का उसको पहले नोटिस देता है, उसको कारण बताता है कि आपको क्यों निकाला जा रहा है। ऐसे नहीं कि आप पकड़ा क्यों और आपका ऐसे, तो फिर अंधेरी नगरी चौपट रह जाओगे, जिसकी मर्जी पड़े, जिसके हाथ में लाठी भेस उसी की हो। अब यही कर रहा है अभी डीडीए ग्यासपुर के मामले में। ग्यासपुर की जमीन कहा जा रही है कि डीडीए की जमीन है, डीडीए की जमीन है, तो ग्यासपुर के जो लोग जिनके पास दस्तावेज है और वो दस्तावेज मानते हैं डीडीए की जमीन का, वो कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्री लेके आओ। दिल्ली में तो रजिस्ट्री नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, रजिस्ट्री कहाँ से लेके आ जाएंगे वहां की। वो कह रहे हैं कि हमें जमीन पर काबिज है, पर आप हमारा पुनर्वास कीजिए। वो किस कानून के तहत निकल के आ रहे हैं, कोई कौन सा ऐसा कानून है जिसको वो, कोई कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है और हम इसको खाली करवा रहे हैं, और आप आके हमें बताइए कि आपके पास कोई कानूनी दस्तावेज है क्या। मजदूरों को वो बोल रहे हैं, मजदूरों के पास दस्तावेज है, आधार कार्ड है जो सरकार जारी करती है, ये कानूनी दस्तावेज है, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। वोटर आईडी कार्ड जिसके ऊपर सरकारें बनती है, ये सरकार जिससे बनती है, वो आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उस मजदूर का एक एड्रेस प्रूफ है जिसमें 30-40 साल से वहां पर रह रहा है, तो उसका एक अधिकार बनता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो मानवा, क्योंकि मानवाधिकारों का एक जो घोषणा पत्र है जिसको वो मानता है, हमारा देश जो है कि किस प्रकार से मानवाधिकारों को हमको प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है, उस घोषणा पत्र को वो साइन कर चुका है। अब कैसे उसको रोंदते हुए इस प्रकार की डेमोलिशन के ऑर्डर होते हैं और सरकारें भी आंखें मूंद लेती हैं, और अभी तो ये हो गया कि और कोर्ट से भी इस प्रकार के लगातार लगातार आदेश आते, पर उस आदेश के तहत नहीं है, जबकि झोले भर लो इतने सारे हमारे पास में जजमेंट है। इस प्रकार से गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी जो काम है वो काम डीडीए द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा और रेलवे द्वारा किया जा रहा है, न कि ये गैर कानूनी काम मजदूर लोग और बस्ती के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो मजदूर हैं और यही देश को बनाते हैं और यही सरकार बनाते हैं, इसलिए इनको गैर कानूनी तो कहा ही नहीं जा सकता। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब ये जो बुलडोजर से जो घर गिराने की प्रक्रिया है, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिली थी, पर ऐसा लगता है कि इस सरकार के आने के बाद उसमें एक धर्म का रंग भी मिल गया है। जैसे कि आप ऐसी जगहों को ज़्यादा बुलडोज करेंगे जहाँ पे कि एक खास समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हों। तो अगर मैं इस सरकार और पुरानी जो सरकारें हैं, स्पेशली पिछले 20 साल के अगर हम देखें दिल्ली में, तो UPA 1-2 और BJP की सरकार है, इनका जो व्यवहार है अवैध बस्तियों को लेकर, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि जहां झुग्गी वहां ही मकान, या उन्होंने जो एक वादा किया था कि 2022 तक हर किसी के पास अपना एक घर होगा, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये सरकार UPA 1 और UPA 2 की सरकार से पॉलिसी वाइज क्या एक अलग कदम अपनाती है जब वो इन लोगों से डील करती है, या फिर पॉलिसी वाइज सेम है पर सिर्फ इसमें एक नया जो एंगल जुड़ गया है वो एक धर्म का जुड़ गया है। देखिए, सरकारें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौन सी सरकार ने उचित ही कदम, क्योंकि पुरानी सरकारों ने भी कितने साल रह के किसी प्रकार से देश को जो है सुविधाएं नहीं दी, केवल योजनाएं जो बनी है, चाहे वो योजनाएं इंदिरा गांधी आवास योजना कहते हैं, चाहे राजीव गांधी आवास योजना कहते हैं, चाहे उसको अभी हम मुख्यमंत्री आवास योजना कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास, उसके केवल नाम बदल रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं, झोला बदल रहे हैं, शरीर वो का वो है। परंतु जो पिछली सरकार थी, भाजपा की सरकार, जब से 2014 से प्रभाव में आई है, ताकत में आई है, तो उन्होंने सबसे पहले तो काम किया कि जो पूर्व में आवास की योजना थी, उस योजना का नाम बदल के इस पूरे देश में ऐसा ढिंढोरा पीटा और ऐसा लगा कि पूरे देश के अंदर
होमलेस को, बेघरों को घर मिल जाएगा। तमाम देश के लोगों को जो एक निम्न आय वाले हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन तमाम लोगों को घर मिलेगा। हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी बनाई और उसका लॉन्च किया, और मतलब एक बड़ी बड़ी बातें उस समय हुई, और कहा गया कि 2022 के अंदर सबको घर दे दिया जाएगा। इन्होंने उस समय 1.23 करोड़ जो है परिवारों को घर देने का वादा किया था। इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, पर उनके जो कंस्ट्रक्शन का जो रफ्तार है, उस रफ्तार को अगर हम आज देखते हैं, तो आज से कम 3500 साल लग जाएंगे वो सारे देशवासियों को घर देने के लिए। रही बात की संख्या को देखें, तो दिल्ली की जो जनसंख्या है वो लगभग 3 करोड़ के लगभग हो गई। 2 से 3 करोड़ की संख्या में, जहां पर हर 1 लाख जनसंख्या पर एक शेल्टर होम, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बोलते हैं कि एक सो मतलब जहां पर 1 लाख जनसंख्या है, वहां कम से कम एक शेल्टर होम बनाए। 100 लोगों को कहीं उसमें नहीं, केवल शेल्टर दीजिए। ये तो केवल उन लोगों की बात है जिनको शेल्टर देने की बात कही जा रही है, परंतु अगर हम घर की बात करें, तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया और फिर हाउसिंग फॉर ऑल कहा। उसका क्या हालत है? वो कैसे सड़क के किनारे घसीट घसीट कर दम तोड़ रही है, और वो किनको मिल रही है? गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ एक मैंने घर जाके देखा, एक नहीं अनेकों घर प्रधानमंत्री आवास योजना का उसके जो है वो लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, और उसको नोटिस दे रही है नगर निगम, इसको घर तोड़ना है। बड़ी ही मजाक की बात कर दी कि जो जिस डाल पे बैठा है वही डाल काट रहा है, कालिदास कहला रहा है। पर 2022 तो बीतने जा रहा है, अभी तक उनका ये जो आंकड़ा था वो पूरा नहीं हुआ। और धर्म के एंगल की बात करें, तो इसमें हम कहेंगे कि पिछली सरकारों ने इस प्रकार धर्म की आड़ लेकर तो घर को तोड़ना, लोगों को विस्थापित करना तो नहीं किया था, धर्म का एंगल कहीं नहीं बना था। पर अभी तो हजारों एग्जाम्पल मेरे पास में है जहां लोगों का घर ही इसलिए तोड़ा जा रहा है कि वहां पर मुसलमानों की बस्ती है। दिल्ली से सटे हुए खोरी गांव के अंदर जहां पर लोग रहते थे, वो आधा इलाका दिल्ली में आधा फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर इन लोगों ने कह दिया कि वो तो पूरा का पूरा मिनी पाकिस्तान है। मुझे कह दिया गया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ये किसने तय कर लिया? मैंने तो आज दिन तक मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैंने घोषित नहीं किया, वो आके मुझे घोषित कर दिए फटाक से। अगर आपने आवाज उठाई तो ले जाके आपको झूठी झूठी धाराओं में बंद कर दिया। मेरे साथ कई सारे लोगों के ऊपर केस फाइल हो गए, आज भी हम वो लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 10 लाख घरों को उन्होंने फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर तोड़ दिया, उनमें से 1,000 को अनाउंस हुआ है, 1 साल बीतने आया है घर नहीं मिला है, अनाउंस किया, घोषणा की। जैसे रिफ्यूजी आकर हमारे यहाँ शरण लेते हैं, आज हमारे ही देश में हमारे ही लोग अपने आप को पराया समझ रहे हैं, और केवल से केवल ये राजनीति धर्म के ऊपर हो रही है। बस्तियां टूट रही हैं, दलितों की बस्तियां टूट रही है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, जो स्पेशली इस डिमोलिशन ड्राइव को जो पिछले कुछ महीनों में हुई है दिल्ली में और जो अभी चल ही रही है, तो उसमें साफ तौर पे ये बात समझ में आती है कि ये जो जिन भी लोगों के घरों पे सरकार ने बुलडोज़र चलाया है वो एक जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, पर आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक बार जब उनका घर उनसे चला जाता है, अब ये लोग किस हालात में रह रहे हैं? उनके पास और क्या ऑप्शन रह जाता है एक बार सरकार उनसे उनका घर छीन ले और एक तरह से उनके उनको होमलेस होने के लिए मजबूर कर देती है जब? देखिए, उन लोगों का हालत यही है कि जो पिछले सरकार से होता हुआ आया, इस सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया, यह प्रक्रम कि एक जगह से लोगों को बेदखल किया जाता है और वो व्यक्ति फिर से ढूंढता है कि कहाँ पर ऐसी जगह है जहां पर जाके वो रह सके, किसी फुटपाथ के किनारे रह सके, कोई ऐसी कंटीली झाड़ियां हैं या कहीं कीचड़ है, कहीं नाला है जिसके किनारे कुछ जमीन पड़ी है जहां पर वो रह सके। इस प्रकार की जमीनों को वो आइडेंटिफाई करके वहां जाकर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में इस प्रकार का आय का साधन नहीं है, रोजगार नहीं है जिससे कि वो इनकम जनरेट कर सके और आने वाले समय में वो घर बना सके, ऐसा सपना तो वो देख ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शेल्टर होम में जाकर रह रहे हैं, पर शेल्टर होम में परिवार वाले, जिनके परिवार जो फैमिली के साथ रहता है, वो शेल्टर होम में जाकर बिल्कुल भी नहीं रह रहा है। एक सिंगल फैमिली भी शेल्टर होम में नहीं जाएगी, क्योंकि शेल्टर होम का जो माहौल है वो इस प्रकार का नहीं है कि वहाँ परिवार सहित लोग रह सके। अगर वहाँ इतने सारे पुरुष है तो कैसे अपने परिवारों को वो रखे? तो लोग फुटपाथ के किनारे हैं,
लोग उजड़ी हुई जगहों पर जहां से उनको बेदखल किया है, जहां से उनका घर तोड़ दिया गया है, उन्हीं मलबे के ऊपर लोग अभी काबिज हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से उन बस्तियों में चले गए हैं जहाँ पहले से अभी बस्तियां हैं, जहाँ बहुत छोटा सा किराया 200 रुपए 300 रुपए में, जहाँ बस्तियों में कहीं वहां उन्हीं कमरों के दो दो पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली की बॉर्डर के किनारे पे चले गए हैं, ताकि वहां पर अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जहाँ जमीन खाली पड़ी है। तो धीरे धीरे यही है कि शहर के जो केंद्र में लोग थे, उन केंद्रों से उनको किस प्रकार से बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर से आगे, और फिर वो शहर वो राज्य उसको दूसरे राज्य, इस प्रकार से ये तमाम जो 50 करोड़ है, वही जो है एक सरकार दूसरी सरकार, एक एक राज्य दूसरे राज्य को, इनको जो है रोटेशन में आगे खदेड़ते जाते हैं। तो लोग अभी सड़कों पर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। बियासपुर के लोग भी खुले आसमान के नीचे हैं, कस्तूरबा के लोग अभी बैठे हैं, शकरपुर के लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उनको शेल्टर होम का ऑप्शन दिया है, पर वो लोग वहां जाना नहीं चाहते। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम और हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, newsclick.in पे। इसके साथ ही आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर देख सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।